हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम आ गए हैं शिमला रेलवे स्टेशन। दिखाऊं मैं आपको एक नज़ारा इसका, इधर से ये शिमला का रेलवे स्टेशन। और ये इतनी ठंडी हवा आ रही है अभी यहाँ पे सुबह के समय ही कि क्या बोलूँ। और ये अपनी ट्रेन खड़ी है जिसका टाइम है 10:40 यहाँ से निकलने का। और पूरा स्टेशन लगभग लकड़ी का बना हुआ है, वुड वर्क है। ये यहाँ पर जो रेस्ट रूम है, या यूँ कह सकते हैं कि वेटिंग रूम, उसकी भी स्थिति आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत ये बना हुआ। कुर्सियाँ लगी हुई है, बिल्कुल ऐसा लगता है हम थोड़ा सा बैक आ गए हैं, लेकिन इस बैक आने में भी बहुत मज़ा है। ट्रेन अभी लगभग खाली है क्योंकि हम थोड़ा जल्दी आ गए, मैंने कहा भाई बाद में भर जाएगी इसलिए। और हम पहले इसमें बैठने वाले थे, इस फर्स्ट डब्बे में, लेकिन पता चला कि ये जो डब्बा है ये तो अभी लास्ट का दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन जैसे ही ट्रेन आएगी, ट्रेन चलेगी, वो डब्बा मतलब जो इंजन है वो यहाँ लग जाएगा। तो इंजन यहाँ लग करके फिर जो मज़ा है वो किरकिरा सा ना हो जाए, इसके लिए हमने बिल्कुल बैक का डब्बा लिया है। तो बैक से जब गाड़ी घूमेगी, ट्रेन मतलब चलेगी, तो उसके बाद जो उसका मज़ा आने वाला है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आप ये मान के चल सकते हैं कि फुल ऑफ एंजॉय वाला ये सफ़र होगा। ये इधर कैंटीन वगैरह सब कुछ है, कैंटीन पे क्या क्या मिलता है ज़रा देखें। इन्होंने बहुत सुंदर ये टॉय ट्रेन रखी हुई है जो कि लुकिंग में बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही है। ये एक और टॉय ट्रेन, मूंग दाल वगैरह सब कुछ मिल रहा है इधर। मैं पूछूं कुछ नाश्ते मैडम, कुछ हैवी ब्रेकफास्ट है क्या? अच्छा आगे है, कुछ हैवी ब्रेकफास्ट आगे इन्होंने बताया। अगर खाने की सुविधा बैठी तो बहुत अच्छा, हम वो कर लेंगे। और ये मल्टीपर्पज़ स्टॉल अपन ने देखी, ये पूरा वाणिज्यिक निरीक्षण, मतलब बहुत सारी जगह है। ये मैं आपको बताऊँ, अब ये लिखा है C3F C1, ये फर्स्ट क्लास का डब्बा है। और ये जो है ये सिंपल चेयर कार है जिसमें दो चार जने बैठ सकते हैं। इसके बाद में फिर एक चेयर कार है, और फिर इसके बाद में एक और, यानी C3, यानी टोटल तीन डब्बे हैं C3 के, उसके बाद में जनरल। तो इसका चूँकि टिकट अवेलेबल था नहीं, और केवल 4 दिन पहले बुकिंग खुलती है, तुरंत ख़त्म हो जाती है, तो इसलिए हमने अब निर्णय किया है जनरल में ही जाना है, जनरल में ही जाना पड़ेगा। तो ये GS, एक आगे एक पीछे। इधर टॉयलेट भी बना रखा है जो कि एक बहुत ही खुशी की बात है। चलिए जी, अपने को मिल गई है अपनी सीट। ओहो, मतलब गाड़ी सीट क्या, अभी तक सब ने रोक ली क्या? ओह, ये क्या हुआ है? ये सब क्या गंदा किसने किया? ये मैंने। क्यों? ये रखी थी। अच्छा, अब इसको साफ करने की हेडेक हो गई है। चलो कोई बात नहीं, ये इस तरह से होता है अंदर का डब्बा। चलो आगे से देखते हैं नज़ारे। बैठो, पीछे तो पूरा खाली है अभी, मतलब वो उधर से जो है, हाँ वो वैसे तो आगे है, सब इसी में बैठना प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि इधर से ट्रेन मुड़ेगी ना तो उसका मज़ा अलग आएगा। और वो भी इधर भी ज़्यादा बैठ रहे, मेरे को ऐसा लगा दो सीटें पूरी खाली पड़ी हैं। पर मेरे को लग रहा है ये इधर पहाड़ पहाड़ दिखेगा, जगह वही बेस्ट है। क्या वो आगे जा रहे हैं? ये सबसे बेस्ट है, फिर यहाँ आ जा, हेडेक ही नहीं है कोई भी। यहाँ पे खिड़की भी शानदार है, टेंशन भी नहीं है कोई, फर्स्ट क्लास जगह मिली है अपने को। अब हम इधर से पूरे नज़ारे देखते हुए आपको बताएंगे क्या कैसे सब कुछ। चलिए अब इंतज़ार करते हैं ट्रेन चलने का, तो तब तक के लिए बाय बाय। कितनी टेंशन हो रही थी कि यार जगह मिलेगी कि नहीं, जगह मिलेगी कि नहीं, लेकिन नहीं, ऐसा कोई अड़क नहीं है, जगह भी मिल गई है। फिलहाल में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ऊपर रखो, मेरा तो आएगा नहीं, मेरे को नहीं गिरेगा, गाड़ी बहुत धीरे चलती है बोला ना। तो अब तो दोस्तों ये पूरा सफ़र कालका तक, कालका तक आएंगे वापस, कालका तक ही करना है। तो अभी जल्दी आने का ये फ़ायदा कि अपने को जगह मिल गई है, और मात्र 50, मैं यहाँ बैठूँगा क्यों, मात्र 50 रुपये की टिकट में, मात्र 50 रुपये की टिकट में अपना सफ़र पूरा हो जाना है, ये भी एक खुशी की बात है। चलो यार, जो सोच रहे थे अड़क तो ख़त्म हुई, खड़े खड़े तो नहीं जा पाए, अभी लग जाएंगे सब, लग जाएंगे, गाड़ी चलने में बहुत टाइम है, पब्लिक भरेगी। चलिए जी, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, पहुँचेंगे कालका, उसके बाद में फिर आपसे बात की जाएगी। ओके।